कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में संकलित पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है जहां चाह वहां राह। देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, कपड़े या कागज की मदद से सुंदर चीजें न बनाई जाती हों। भारत की हस्तकला सारी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। कपड़े पर कढ़ाई करना ऐसा ही एक कौशल है जिसका महत्व जहां चाह वहां राह शीर्षक रचना में समझा जा सकता है। हमारे घर पर तकिए का गिलाफ, मेजपोश या फिर मां की शॉल पर रंगीन धागों से कढ़ाई देखी जा सकती है। बच्चे इस कढ़ाई को बारीकी से देखें और सुई धागा लेकर खुद ऐसी कढ़ाई करने की कोशिश करें तो वे समझ जाएंगे कि ये काम कितनी मेहनत मांगता है। गुड़िया, मिठाई और त्योहारों की तरह ही कढ़ाई की सैकड़ों शैलियां हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। जहां चाह वहां राह। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल हैं ये कढ़ाई के नमूने। छब्बीस साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली जिले के राजाकोट गांव में अपने नाना के यहां बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी आयो रे, कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी आयो रे, कच्चे नीम की नींबोरी सावन जल्दी आयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वो चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूं। Thank you.
बच्चे भी चाहते कि इला किसी ना किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वो पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती। मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वो बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। एला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वो सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहां तक के तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वो इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वो परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। एला को ये मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। हालांकि उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। ये जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है। पर यहां आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी मां और दादी कशीदाकारी करती थीं। वो उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहां भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। पंद्रह सोलह साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगें, ये सब वो समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे।
पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में ये नवीनता सभी को बहुत भाई। एला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वो सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं हैं। जहां चाह वहां राह,